कुर्बानी सेंटर को लेकर भिवंडी शहर में इन दिनों राजनीतिक गरमाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी यूनियन के माध्यम से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें हम आपको बता दें कि सर चिटनेस संतोष चौहान, जो कि लेबर एसोसिएशन के सर चिटनेस हैं, इन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए 17 तारीख को भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को किस तरह का निर्देश दिया और अफवाह पर ध्यान न दे इस तरह की बातें करते हुए आने वाली 17 तारीख को जो बकरीद का त्यौहार है उसमें किस तरह से साफ सफाई रखा जाए और गंदगी को किस तरह से दूर किया जाए, इसको लेकर संतोष चौहान ने क्या कहा, ये सुनते हैं। है नहीं, बकरीद त्यौहार हम लोग हर साल अच्छी तरह से मनाते हैं, कायदा सुव्यवस्था अच्छी रहे यही हमारी उम्मीद रहती है। और जो भी है, गए साल में मुस्लिम बांधवों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, उसके लिए हम लोग उनके आभारी हैं। हर तरह हर साल ऐसे ही सहयोग करेंगे यही उम्मीद हमारी है। लेकिन वो लोग आरोप लगा रहे हैं, शोएब बुल्लू खान और इमरान मलिक खान जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि पिछले बार भी जो है आप लोगों ने कचरा नहीं उठाया था और कचरा ना उठाने की वजह से जो काफ़ी दिक्कतें आई थी, यहाँ तक कि उनके ऊपर एफआईआर होने की भी नौबत आ गई। कैसे हुआ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये जो अपन सलाटर हाउस है, अपने भिवंडी शहर में सलाटर हाउस ऑथोराइज नहीं है, इसके लिए स्लॉटर की परमिशन दी जाती है और वो परमिशन से जहाँ पे स्लॉटर की परमिशन है वहाँ पे आप कटिंग करो। उधर जो कर्मचारी है, हमारा यही कहना है कि आप जो म्युनिसिपैलिटी से जो आपको गोनी प्रोवाइड की जाती है वो गोनी में डालो और गोनी में डाल के वही बाजू में डंपर खड़ा रहता है उसमें डालो। हम लोग ये नहीं बोलते कि तुम कहीं भी काटो, तुम सलाटर हाउस पर कटिंग करो, उसकी जिम्मेदारी हमारी है ना साफ सफाई रखने की। शहर हमारा है, पॉलिटिशियन समझते हैं कि शहर उनका है लेकिन शहर हमारा भी है, हम लोग इधर काम करते तो ये शहर हमारा है, इसके लिए ये रिलेशन से हम लोग काम करते हैं और हम भी चाहते हैं कि त्यौहार किसी भी धर्म का हो वो अच्छी तरह से होना चाहिए। संतोष साहब, पूरा जो मसला है ना वो यही है कि जो वेस्टेज है उसको थैली में भर के उठा के डंपर में डालना, मतलब अगर अभी जो कुर्बानी कर रहे अगर वो लोग ही उठा के डंपर में डालेंगे तो फिर वहाँ पे कर्मचारी का तो रोल जीरो ही हो गया ना, फिर वो तो क्या गाड़ी वहाँ पे हमारे कर्मचारी जो है पाउडर और पानी मारने के लिए तो हर साल रहती है ना। मसला असल यही है कि वो डंपर नहीं, देखो उठा के डंपर में डालना। फिर भाई आप जो बोले ना अभी, हर साल देखो गए साल में भी कानून कायदा व्यवस्था सुव्यवस्था रहना चाहिए, इसके लिए हम लोग चुप बैठे थे। अगले साल भी इमरान खान साहब ने और वसीम अंसारी साहब ने कायदा सुव्यवस्था खराब माहौल भिवंडी शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की थी। हम लोग ये चाहते हैं, हमारी हम लोग सभी यूनियन की तरफ से उनको यही बोल रहे हैं कि साहब भिवंडी शहर की शांतता भंग मत करो, कायदा सुव्यवस्था मत करो, माहौल खराब मत करो। बकरीद त्यौहार तुम्हारा है वैसा ही हमारा है, हम लोग काम करते हैं, हमको मालूम है। लेकिन कैसे कि हर साल कैसे होता था, पुराने लोग बूढ़े लोग थे वो बेचारे काम करते थे, लेकिन अभी जो काम करने वाले बच्चे हैं सब नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी सफाई काम का वो काम करते हैं। और दूसरी बात ऐसी कि मैं ये बोल रहा हूँ त्यौहार अपना है, त्यौहार मनाना है, तुम कहीं भी काटोगे और बोलेंगे तुम जाके उठाओ तो ये गलत बात है। स्लाटर हाउस पर तुम कटिंग करो, वहाँ पे गोनी में तो भरो, कम से कम तुम गोनी में नहीं भरेंगे डायरेक्ट रखेंगे। और उसमें क्या है, फिर काम करने वाले ज़्यादातर लोग हिंदू है और वो फिर उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग आह्वान करते हैं कि आप गोनी में तो भरो कम से कम, गोनी में भर के स्लाटर हाउस पे। तुम बोलेंगे तो अभी कैसा होता है, चार चार माले पे टेरिस पे कटिंग होती है, टेरिस पे कटिंग करने वहाँ से लाने का काम म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी का थोड़ा है। तुम अगर उधर कटिंग करते हो तो तुम स्लाटर हाउस पे डालो या अभी गवर्नमेंट ने भी तुमको नोटिफिकेशन दिया है कि टैग लगाना चाहिए जानवर को, यह सब करना चाहिए, वो वैसे तुम कानून से करो, हमारे कर्मचारी सहयोग करेंगे जी। शहरवासियों को हम लोग यही विनंती करेंगे कि आप अफवाह पे ध्यान मत दो, कोई चंद लोग जो है वो अपनी पॉलिटिशियन करने चाहते हैं, वो पॉलिटिशियन पे ध्यान मत दो। हम लोग है, आज तक म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी ने सहयोग किया है, सहयोग करते रहेंगे। त्यौहार तुम्हारा है वैसा है हमारा है, जैसे ही हम लोग आपको सहयोग करते हैं आप भी सहयोग करेंगे, यही हमारी सभी यूनियन की वजह से आपको विनती है।